द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से लीक्स और रूमर तो आते ही रहता है, बट इस बार जो लीक्स आया है उसके अकॉर्डिंग ये पूरी मूवी स्पॉइल हो जाती है। जी हाँ, ये लीक्स भले इस मूवी के मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड हो, पर इससे एक्चुअली में इस मूवी के एंड में क्या होगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। और ये रिलायबल सोर्स से भी है तो फिर आप इसमें थोड़ा बहुत तो यकीन कर ही सकते हो। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट बनेगा, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप ऐसे ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड लीक्स और रूमर जानना चाहते हो तो फिर आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करने का मूड बन जाए तो फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल भी कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, नहीं तो फिर सब्सक्राइब करने का भी कोई फायदा नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक स्पॉइलर वार्निंग दे दूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें स्पॉइलर से फर्क पड़ता है। तो फिर अगर आप उन्हीं लोगों में से हो तो आप इस वीडियो के पे छोड़ के जा सकते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि भले ही ये रिलायबल सोर्स से है, पर जब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक कोई भी चीज रियल या फिर फेक नहीं होता। तो आप लोग इसे फैन थ्योरी समझ के चल सकते हो, लेकिन डिसीजन टोटली आपका ही होगा। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं पहले के कुछ वीडियोस में इसके क्रेडिट सीन के ऊपर बात कर चुका हूँ, जिसे मैंने कहा था कि क्रेडिट सीन स्पाइडरमैन यूनिवर्स को दिखाएगा और दूसरा एमसीयू के फ्यूचर को, जिसमें मेफिस्टो जैसे कैरेक्टर का रेफरेंस होगा। पर अब जो लीक्स आया है वो टोटली इससे काफी डिफरेंट है, जिसमें कहा जा रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट के बाद, मतलब इस मूवी में जो भी तबाही स्टार्ट होगा उसे समेटने के बाद, जब डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से बेड पे सोने जाएंगे तो उन्हें एक नाइटमेयर आएगा, मतलब बुरा सपना आएगा जिसमें उन्हें कुछ लोग ट्रेनिंग करते दिखेंगे न्यूयॉर्क सिटी में, और न्यूयॉर्क सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज नीचे देखेंगे तो बॉम्ब की लाश होगी। और फिर डोरमामू की बहन उमर को दिखाया जाएगा। जी हाँ, इसके मिड क्रेडिट सीन में उमर को दिखाया जाएगा, क्योंकि अब मैजिकल दुनिया एक्सप्लोर हो ही रहा है तो फिर उमर जैसी कैरेक्टर पीछे कैसे रह सकती है। वैसे जो लोग उमर को नहीं जानते तो मैं उन्हें शॉर्ट में कॉमिक बुक का ज्ञान दे दूं, तो इस कैरेक्टर को पहली दफा मार्वल कॉमिक में स्टैन स्टेल्स इशू नंबर 150 में दिखाया गया था, जो एयर 1996 में पब्लिश हुआ था। और ये बेसिकली डार्क डायमेंशन में रहने वाले एक बहुत ही पावरफुल बींग है जिसकी डॉक्टर केले है। जी हाँ, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सीन में जो ये कैरेक्टर आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में कॉमिक बुक में उमर की बेटी रह चुकी है। और आपको ये चीज जानकर हैरानी होगा कि स्टीफन स्ट्रेंज इनके सन इन लॉ हैं। तो भाई, कॉमिक बुक में बहुत ही बकचोदी हो रखी है तो ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाते हैं। तो फिर उसी सीन में कैंग द कंकर के लुक को दिखाया जाएगा, जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जड़ से उठ जाएंगे और देखेंगे कि आगामोटो की आई भी ओपन है, जिससे एक आवाज आएगी हेल्प मी। और ये वॉइस एक्चुअली में किले के कैरेक्टर का ही होगा जिसका रोल चार्लिस थेरॉन कर रही है। और ये इन मूवी में होंगी, इसका प्रूफ आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्टर के सीन में देखने को मिल जाएगा। और ये दूसरे यूनिवर्स से बुला रही होंगी। और फिर ब्लैक स्क्रीन के साथ ये क्रेडिट सीन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और फिर कुछ खास डिटेल के साथ इसका इन क्रेडिट सीन स्टार्ट होगा, जिस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले इस मूवी के एक्स्ट्रा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की विलन वांडा होगी, लेकिन वांडा इस मूवी की मेन विलन नहीं होने वाली, क्योंकि मार्वल आपको वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इनमें वांडा बच जाएगी और उसे रियलाइज होगा कि उसने गलती की है, और इसके बाद वो सब कुछ छोड़ के चली जाएगी, जिसके बाद इवेंट को स्कारलेट विच सीरीज या फिर मूवी बनाकर कवर किया जाएगा। जी हाँ, फिलहाल इस बात के रूमर दिए जा रहे हैं कि स्कारलेट विच पे एक सोलो सीरीज या फिर सोलो मूवी बन सकता है। और इस कैरेक्टर का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने मार्वल के साथ 7 ईयर्स का डील साइन किया है। वैसे आई नो कि ये थोड़ा अजीब है, पर अब मार्वल वांडा के कैरेक्टर को 7 ईयर्स तक अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में खींचेगा। वैसे अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की विलन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। तो इसमें वांडा क्योस मैजिक का यूज करके कुछ अननेचुरल बींग्स को इस वाले यूनिवर्स में लाएगी, ताकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक पाए, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका सावेज की मदद कर रहे हैं और वांडा अमेरिका सावेज को पाना चाहती है ताकि वो मल्टीवर्स से अपने बच्चों को ढूंढ पाए। लेकिन अपने डॉक्टर भैया ऐसा होने नहीं देंगे, और वांडा इस कैसल में बैठकर अपने वेरिएंट का यूज कर रही है, और आप ये चीज इस सीन में भी नोटिस कर सकते हो। और इस सीन में वांडा जिस कैसल में है उसी का ये सीन भी है, जहाँ पे अमेरिका सावेज एक पंच मार रही है, और इसके नीचे आप डिफेंडर स्टैंड को भी देख सकते हो। और लगभग टेलर के हर सीन में डिफेंडर स्टैंड को आप नोटिस कर सकते हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका सावेज दोनों एक ही यूनिवर्स से हैं। और ये कैसल जो है वो डार्क डायमेंशन का ही कैसल है, क्योंकि आप डार्क होल्ड बुक के लोगों को यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, और इवन जैसा लोगो गैंटोस पे बना हुआ है वैसा ही लोगो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो वांडा जिस भी मैजिक का यूज कर रही है वो इस कैसल से ही कर रही है,
और वो यहाँ से ही डिमोन अग्रेगेंटस को कंट्रोल कर रही है। और कुछ रूमर के अकॉर्डिंग एसले ओल्सन को कास्ट किया गया है एज अ वांडा की वेरिएंट। और ये एसले ओल्सन रियल लाइफ में वांडा की सिस्टर है। तो भाई ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग होने वाला है। खैर अब बात करते हैं इन क्रेडिट सीन के ऊपर। तो जिस सोर्स ने इसके मिड क्रेडिट सीन बताया है उसी सोर्स ने इसके इन क्रेडिट सीन को भी कंफर्म किया है, जिसके अकॉर्डिंग डेडपूल और केवल का कैरेक्टर इस इल्यूमिनाटी ग्रुप के हेडक्वार्टर में घूम रहे होंगे और उनके साथ डोमिनो और वेनिसा भी होगी और डेडपूल इल्यूमिनाटी के मेंबर के बॉडी पे कुछ जोक्स कर रहा होगा और प्रोफेसर एक्स को देखकर बोलेगा कि ये टकला फिर से मर गया। और यहाँ पे ही इसका इन क्रेडिट सीन भी खत्म होता है। वैसे आई डोंट नो कि ये रियल है या फिर फेक, पर जिस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये रियल ही लगता है। वैसे आपको क्या राय है इन दोनों क्रेडिट सीन के ऊपर वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, जब भी सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल करना मत भूलना नोटिफिकेशन के लिए। तो अब बस इस वीडियो कहीं पेंट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कुछ ही कुछ ना किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबको रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।